देखिए एक करूप इस सिरे पर था, एक करूप इस सिरे पर था, यानी एक सरदूत इस सिरे पर था और एक सरदूत इस सिरे पर था। ये क्या भविष्यवाणी है? ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जो ढक्कन का नाम है प्रयाशित का ढक्कन जो है, जो कहलाया गया है, वो प्रयाशित का ढक्कन क्यों कहलाया गया? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य का दूसरा खंड है, दूसरा भाग है, जहां सात कलीसियाओं के नाम पत्र है। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय के दसवें पद में कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इस पद को मैंने बोल तो दिया है, मगर फिर से पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका दसवां पद, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना है। हम बात कर रहे हैं प्रभु के दिन के विषय में, और प्रभु के दिन के विषय में के भाग को जो है सात भागों में हमने बांटा है। कौन से सात भाग हैं वह हम फिर से बता देते हैं आपको। यहाँ है पहला भाग है प्रभु का दिन कौन सा है, दूसरा है क्या व्यवस्था खत्म हो गई, तीसरा है व्यवस्था कितनी है, चौथा है परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है, पांचवा है दस आज्ञाओं की विशेषता, छठा है दो आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था का आधार है, सातवां है चौथी आज्ञा की विशेषता, और आठवां है आत्मा में आ गया। यानी सात जो प्रभु के दिन के विषय में जो सात भाग है वह है, जिसमें से हम तीन भाग पर बातचीत पिछले संदेशों में कर चुके हैं। कौन से हैं वो तीन भाग? प्रभु का दिन कौन सा है, क्या व्यवस्था खत्म हो गई, व्यवस्था कितनी है। इन तीन विषयों पे हम बातचीत कर चुके हैं। आज है परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है, इस व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पिछले संदेश में हमने सीखा था कि कितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लगभग 15 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आज भी हैं जिनका हमें पालन करना है। मुख्य रूप से हमने दो व्यवस्थाओं की बात करी थी कि अगर आप उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जो वर्णन दिया गया है वो परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था का जो वर्णन है वो दिया गया है। परंतु यहां पर हम बात करेंगे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में। जी हाँ, परमेश्वर की व्यवस्था में पहले हम ये देख लें कि परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था की स्थितियां क्या है। जब हम इस चीज को सीख लेंगे, जब हम इस चीज को जान लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को और मूसा की व्यवस्था को दोनों को मिक्स कर देते हैं। हमें मिक्स नहीं करना है दोनों की, क्योंकि दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं और वो अलग अलग जो है परमेश्वर के वचन में भी अलग अलग दर्शाई जाती हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 24, 25 और 26 पद है। पहले हम 24 पद पढ़ रहे हैं। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, अब 25वां पद है, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी। 26 पद, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। अब देखिए यहां पर जो है दो प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। कौन सी? एक तो ये कि जो मूसा ने व्यवस्था लिखी, और दूसरी वो जो वाचा के संदूक में व्यवस्था थी। अब वाचा के संदूक में जो व्यवस्था थी वो कौन सी थी, ये जरा ध्यान देने की बात है कि वो कौन सी व्यवस्था। यहां पर दो प्रकार की व्यवस्था है। देखिए, एक वाचा के संदूक के अंदर है और एक वाचा के संदूक के बाहर है। दो व्यवस्थाएं रखी हुई है। वाचा के संदूक में जो अंदर रखी हुई है वो जो है परमेश्वर की व्यवस्था कहलाई जाती है। वाचा के संदूक में क्या था आप सबको पता है, मगर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है निर्गमन 25 और उसका 16 पद, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। देखिए पॉइंट को बस ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है कि जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। अब यहां ध्यान देने की बात है कि साक्षी पत्र किसे कहा गया है? पत्थर की दोनों पट्टियां जो थी, दो पट्टियां थी, दो पट्टियों पे जो परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं को लिखा था, 10 वचन को लिखा था, वो साक्षी पत्र कहलाए जाते थे जो वाचा के संदूक में था। मगर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर क्या महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं
यहां लिखा है निर्गमन 25 और उसका 10 से जब 22 पद तक पढ़ेंगे तो वहां इस इन साक्षी जो पत्र था यानी वाचा की जो दो पट्टियां थी इनके लिए एक विशेष संदूक बनाया गया। इस संदूक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक विशेष संदूक जो है वो बनाया गया और उस संदूक को साक्षी का संदूक भी कहा गया और उसको जो है अंदर बाहर बबूल की लकड़ी का वो बनाया गया था और उसके अंदर बाहर जो था प्योर सोना जो है चोखा सोना जो है उससे मढ़ा गया था। उसके कुंडे हैं ले लीजिए, उसके डंडे ले लीजिए, भार ले लीजिए, भीतर ले लीजिए और उसका नाप तोल सब दिया गया था कि उस संदूक को कितने नाप का बनाना है, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि एक विशेष संदूक जो था परमेश्वर की उस व्यवस्था को रखने के लिए, परमेश्वर की उस साक्षी पत्र को रखने के लिए, परमेश्वर के उस वचन को रखने के लिए जो उसने लिखे थे उसमें उसके लिए एक बॉक्स बनाया गया था। अब व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 13वें पद में क्या लिखा हुआ है, और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की दो पट्टियों पर लिख दिया, पट्टियों पर जो है वो लिख दिया है। अब निर्गमन 34 का 28, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। अब फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा व्यवस्था विवरण 9:10 में, और यहोवा ने मुझे अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में सभा के दिन तुमसे कहे थे वे सब उन पर लिख दिए। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि सभा का दिन कौन सा था, जी हाँ, जो परमेश्वर का दिन है, हम परमेश्वर के दिन की बात करें, उस दिन उसने जो है वो सब उसने वो वचन कहे और वो वचन मूसा को लिख कर दिए और मूसा से कहा कि इनको ले जाकर कहाँ रखना, इनको ले जाकर बॉक्स में रखना। एक बॉक्स जो था वो बनाया। इस बॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे मगर हम बात कर रहे हैं पत्थर की पट्टियों के बारे में। पत्थर की पट्टियों को दो प्रकार के नाम दिए गए थे, बल्कि तीन प्रकार के नाम दिए गए थे, परमेश्वर के वाचा की पट्टियां, परमेश्वर यहोवा की पट्टियां या परमेश्वर यहोवा का संदूक या साक्षी का संदूक या वाचा का संदूक। साक्षी का संदूक यानी गवाही का संदूक जो था वो गवाही का संदूक क्यों कहा जाता था, उसके अंदर जो पट्टियां थी वो गवाही की पट्टियां क्यों कही जाती थी, जब हम उनके उनका पालन करेंगे। देखिए अब हम उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जैसे मैं बीच में से बता रहा हूं चोरी ना करना, तो वो दिखाई देना चाहिए कि गवाही होना चाहिए, देखो हम चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार ना करना, देखो हम व्यभिचार नहीं करते, झूठ ना बोलना, देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हत्या ना करना, देखो हम हत्या नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें कि साक्षी हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए कि हम ये सारे काम जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, व्यवस्था दी है, हम नहीं करते हैं और जैसा परमेश्वर सिखाता है वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि और दूसरी चीज वाचा का मतलब होता है एग्रीमेंट, जो है हमने समझौता करा है कि परमेश्वर हम तेरी इन आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्यों करेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, क्या चीज है? देखिए यहां पर जो है पहला योना 5 अध्याय उसके 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है जब हम, पहला योना की पत्री 5 अध्याय उसका 2 पद, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मानने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए हम जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करना तो नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करना नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करना यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करने का मतलब है उसकी संतानों से प्रेम करते हैं। संतानों से प्रेम करने का मतलब क्या है कि हम उनके किसी भी चीज के का हानि नहीं होने देंगे। परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात का वर्णन करता है। फिर है 10 आज्ञाओं का महत्व। अब ध्यान देने की बात है जो हम 10 आज्ञाओं का महत्व जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मतलब महत्व है उसका हमारे जीवन में। ठीक है, परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने 10 उन 10 आज्ञाओं के लिए जो उसने खुद अपनी उंगली से लिखे थे उन 10 आज्ञाओं को लिखकर उसने मूसा को दिया और क्या कहा, मगर उससे पहले उसने क्या कहा मूसा से कि तू उन पत्थर की पट्टियों के लिए एक बॉक्स तैयार कर ले।
बसलेल ने जो है इस बॉक्स को तैयार करा था, और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप निर्गमन 25 उसका 10 से 16 पद तक पढ़ोगे तो उसके अंदर वो लंबाई चौड़ाई, जैसे मैंने बताया ना कि लंबाई चौड़ाई जो है वो दी गई है, परमेश्वर का जो संदूक है और लिखा है ये वाचा का संदूक, साक्षी का संदूक, यहोवा का संदूक, यहोवा की वाचा के संदूक से के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए बड़ी अचंभे की बात है, ठीक है संदूक का तो नाम होता है, बहुत से संदूकों के नाम भी रखे जाते हैं, बहुत से संदूक का नाम भी होता है, मगर कभी आपने ये देखा है कि संदूक का नाम तो ये सब नामों से पुकारा जा रहा है परंतु संदूक के ढकने का नाम अलग होता है। कभी किसी ढक्कन का नाम सुना है आपने, किसी संदूक के ढक्कन का नाम, कि आपका जो संदूक है आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स का तो नाम अलग है परंतु उसके ढक्कन का नाम अलग है। यही तो महत्वपूर्ण बात है, यही तो समझना है। जब इन बातों को समझेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं को लेकर जो है एक बहुत उत्साह होगा और एक बहुत रुचि पैदा होगी हमारे अंदर कि उसको सीखने की, उसको जानने की, अरे इतना महत्व है इसका। जी हाँ देखिए, अब यहां पर आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि संदूक का नाम अलग है परंतु उसी संदूक के ढक्कन का नाम अलग है। अब उस ढक्कन को क्या कहते थे, वाचा के संदूक के ढक्कन को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 25 अध्याय उसका 17 से 23 तक, निर्गमन 37 और उसका 109 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर क्या कहता है कि उसका ढक्कन जो है किस प्रकार तैयार करना है। और उस ढक्कन का मतलब क्या था, प्रायश्चित का ढक्कन, ठीक है प्रायश्चित का ढक्कन जो है वो कहा गया। क्यों कहा गया उसको प्रायश्चित का ढक्कन? अब उस ढक्कन की एक विशेषता थी, उसके ऊपर क्या बनाना था, कैसे बनाना था, कि उस ढक्कन के ऊपर क्या था, ढक्कन के ऊपर दो करूब बनाने थे। करूब क्या होते हैं, करूब सरदूत होते हैं और वो करूब जो है चार पंखों वाले सरदूतों को कहा जाता है। और आप देखना वो पवित्र मंदिर जब बनाया गया था, जब मूसा के समय में बनाया गया था, उसके पर्दों के ऊपर भी करूबों को बनाया गया था और परमेश्वर ने कहा ये एक ही लकड़ी के बने हों और दो करूब आमने सामने मुंह किए हों और उनके पंख आपस में जुड़े हों। मगर आप ध्यान दीजिएगा, एक करूब जो है इस सिरे पर था उस ढक्कन के और एक इस सिरे पर था और दोनों के मुंह आमने सामने थे, पंख जुड़े हुए थे और बीच में जो थी बीच में जगह खाली थी, जिसको हम इंग्लिश में मर्सी सीट कहते हैं, जिसको बोला जाता है, परंतु इसको जो हिंदी में अगर कहा गया, इसको कहा गया है प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है, अगर इंग्लिश में भी कहा है तो दया का स्थान जो है वो इसको कहा गया। परमेश्वर इसी बॉक्स पर जो था, इसी जगह पर आकर जो था वो मूसा से बातचीत किया करता था। एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर जो है वो बातचीत करता था। मगर ध्यान करें, जो करूबों के बीच में जो जगह खाली थी उसका भी अपना एक महत्व है। उसका क्या महत्व है, इसको जरा ध्यान करें कि उसका क्या महत्व है। देखिए, एक करूब इस सिरे पर था, एक करूब इस सिरे पर था, यानी एक सरदूत इस सिरे पर था और एक सरदूत इस सिरे पर था। ये क्या भविष्यवाणी है, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ये बहुत प्रयाशित का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा प्रयाशित होने जा रहा था। परमेश्वर का वचन पहले से इस साक्षी के संदूक को जो है वो बता रहा है, इस जो साक्षी का संदूक है और जिसके साक्षी के संदूक के जो ढक्कन का नाम है प्रयाशित का ढक्कन जो है जो कहलाया गया है, वो प्रयाशित का ढक्कन क्यों कहलाया गया ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये प्रभु येशु मसीह के जी उठने का दृश्य है, ये प्रभु येशु मसीह के जी उठने को दिखाता है, ये प्रभु येशु मसीह की उस कब्र को दिखाता है जो खाली हो चुकी, यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो खाली हो चुकी है। ठीक है, 10 हुक्म ऐसे ही नहीं है, 10 हुक्म का महत्व को समझिए। सबसे पहली बात है, आगे जब हम देखेंगे 10 हुक्म का महत्व क्या है, कि परमेश्वर ने कैसे लिख के दिए हैं और किसके किन किन समों में दिए हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में बिल्कुल बने रहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब देखिए कैसे जो है ये प्रभु यीशु मसीह के कब्र को दर्शाता है, यानी खाली स्थान को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भविष्यवाणी है बहुत बड़ी। क्या है, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 11 और 12 जब आप पद पढ़ेंगे, पहले मैं 11वां पद पढ़ रहा हूं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, ध्यान दीजिएगा, कब्र की ओर झुककर उसने, यानी अंदर देखा। क्या है, अब क्या चीज है, दो सरदूतों को जो उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरियाने और दूसरे को पित्याने बैठा देखा, जहां यीशु का शव जो है वो रखा गया था।
अब जब मरियम जो थी, जब सुबह सुबह गई है सप्ताह के पहले दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जब वो गई तब उसने कब्र में देखा पत्थर तो हटा हुआ है। अब वो रोने लगी कि पत्थर हटा है, प्रभु कहाँ है। उसने झुककर देखा, जब उसने झुककर देखा कि कब्र तो खाली है, प्रभु यीशु मसीह का तो शव है नहीं, मगर उस कब्र के सिरहाने पर एक स्वर्गदूत बैठा है और पित्याने पर एक स्वर्गदूत बैठा है। ये जो वाचा के संदूक पे जो स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, ये उस चीज को दर्शाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अभी पता नहीं चला होगा ना आज तक, हो सकता है कि बहुतों ने नहीं सुना हो, मगर सोचिए परमेश्वर ने उस ढक्कन का नाम प्रायश्चित का ढक्कन क्यों रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि हमारा प्रायश्चित किसने करा? प्रभु यीशु मसीह ने करा, और प्रायश्चित करके वो जगह आज खाली है। अब कैसे, मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा बल्कि परमेश्वर के वचन से ही बताना चाहूंगा। पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय, उसका 2 पद जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 पद है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का जो है वो प्रायश्चित उसने किया है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं है, पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, बल्कि सारे जगत के पापों के लोगों का उसने प्रायश्चित करा है। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो 10 आज्ञाएं हैं, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने वाचा के संदूक में रखी, उस संदूक का जो ऊपरी हिस्सा है, जो ढक्कन है, वो एक विशेषता है, वो एक विशेष बात का वर्णन कर रहा है, वो एक विशेष भविष्यवाणी की का वर्णन कर रहा है, वो एक अनोखे आनंद का वर्णन कर रहा है, वो उस आनंद का वर्णन कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पा ली, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। आप सीखें कि क्या है परमेश्वर की व्यवस्था जो है मामूली नहीं है। क्यों उसके लिए मूसा की व्यवस्था के लिए उसने बॉक्स क्यों नहीं बनाया, और क्या कहते हैं उसने मूसा की व्यवस्था का कोई बॉक्स क्यों नहीं बनाया, कोई चीज क्यों नहीं बनाई, उसको उस व्यवस्था के पास में क्यों रखा गया है? ये ध्यान देने की बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन की एक एक बात को सीखना बहुत जरूरी है। ये जो 7 पॉइंट लिए हैं, ये इसीलिए लिए गए हैं ताकि हम इन महत्व को समझें, परमेश्वर के व्यवस्था के महत्व को समझें। परमेश्वर ने जो व्यवस्था लिखी है, व्यवस्था कितनी है, परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमसे बातचीत कर रहा है, हम अन्यथा इसको हवा में ना लें। अगर ऐसे ही हम बात करेंगे, ऐसे ही करेंगे, देखिए कितनी बड़ी बात निकल कर आई है कि वाचा का संदूक जो है उसके ढक्कन का नाम प्रायश्चित का ढक्कन रखा गया, और वो प्रायश्चित जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, बल्कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सारे जगत के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। और वो स्थान इस बात को दर्शाता है कि वो कब्र जो है वो खाली है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इन 10 हुक्म का पालन किया है, अपने जीवन में मनुष्य बनकर आया, और यही हमें भी करना है, 10 हुक्म का पालन करना है। उसमें किसी भी प्रकार की फेर और बदल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा, अगर कोई इसमें से घटाएगा या बढ़ाएगा तो जितनी मुसीबतें इसके अंदर लिखी हैं वो सारी उसके ऊपर डालूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सीखे हम क्या कह रहे हैं, तो आइए हम परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करें ताकि हम उस आनंद के भागीदार हो सकें जहां प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और स्वर्ग में उस वाचा के संदूक को फिर से देखने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।